हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आसान सी चिकन फ्राई यानी चिकन स्टार्टर जिसको बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी। तो देखिए, मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है। मैंने इसको यहाँ पे मीडियम पीस में बना लिया, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटा। मैंने इसमें डाला एक टेबल स्पून के करीब सिरका यानी कि विनेगर। विनेगर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक कप क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक चम्मच डालूंगी ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच डालूंगी लाल मिर्चें, एक चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर, एक चम्मच डालूंगी चाट मसाला। अब मैं सारे मसाले डाल दिए मैंने। अब इसमें डालूंगी मैं लास्ट में नमक। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और ये एकदम से मैरिनेट होने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर वाले फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे। आपके पास टाइम कम है तो आप 2 घंटा भी रख सकते हैं। देखिए, मैरिनेट होकर तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है, यहाँ मैंने लिया है मैदा, और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसको एक बार मैदा में लगाऊंगी। मैदा इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। तो 2-3 पीस उठाऊंगी मैं और अच्छे से पहले मैदा इस पर लगा दूँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें मैदा की कोडिंग कर दी है। फ्रेंड, आप लोग भी अपने घर में इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसको एक बार पानी में डिप करूँगी। पानी में डिप करके निकाल के फिर मैं इसको एक बार फिर मैदे की कोडिंग इसके ऊपर करूँगी। और आप लोग घर में बना के मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मैं इसको डिप करूँगी एक बार और फिर इसको मैं मैदे में कोडिंग करूँगी। इस तरीके से मैं सारे पीसेस को कर लूँगी फ्रेंड्स। और अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकालूंगी। दूसरी तरफ मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। अब बस मैं सारे पीसेस को छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, गोल्डन फ्राई। साइड बाय साइड इसको चेंज करते रहेंगे फ्रेंड्स। इसको आप चिकन पॉपकॉर्न या चिकन फ्राई या चिकन स्टार्टर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अभी देखिए, हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, एकदम गोल्डन कलर आया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में ज़रूर से ज़रूर याद रखें।